हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिका। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आवर चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, जिसका ये पार्ट वन रहेगा। आज इस क्लास में आपके फर्स्ट थ्री पेजेस, पेज नंबर 95, 96 एंड 97 कवर अप करेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ऑपन योर बुक्स विद पेज नंबर 95 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो आपके चैप्टर का नेम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। सबसे पहले मोशन का मतलब कि किस तरह से हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करके जाते हैं। जैसे सपोज करो ये आपका घर है, आपको स्कूल जाना है, तो आप कैसे जाओगे? आप चल के जा सकते हो, आप किसी साइकिल का यूज़ कर सकते हो, आप स्कूल की वैन में जा सकते हो, या अगर मान लो आपका स्कूल थोड़ा दूर है, आपको वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना होता है, तो आप किसी बोट शिप का यूज़ कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे हमारे पास मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिसके साथ हम मोशन करते हैं। एंड नेक्स्ट हेडिंग इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे कि जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पे एक पेन है, ये इतना बड़ा आपके पास पेन है। अब आपको मैं पूछूँ इस पेन की लेंथ क्या, तो आप क्या बताओगे? यहाँ पे स्केल रखोगे और बता दोगे कि मैम ये इतने सेंटीमीटर का। इट मीन्स हमने इसको क्या किया, मेजर किया। हम बड़े बड़े डिस्टेंस भी देख सकते हैं कि एक सिटी दूसरी सिटी से कितनी दूर है, या पहले वाला जो आपका क्लासरूम है वो दूसरे क्लासरूम से कितनी दूर है। सो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो पहेली एंड भूजो है, उनकी क्लास में डिस्कशन चल रही थी कि वो समर वेकेशन पे कहाँ पर घूम के आए। तो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि वो एक विलेज में गए ट्रेन को ट्रैवल करके, फिर उन्होंने बस यूज़ की एंड देन बुल्लो कार्ट यूज़ किया। तो कई बच्चे कहते हैं हम तो एरोप्लेन में घूमने गए थे, एंड कुछ कहते हैं कि हम तो बोट में ट्रैवल कर रहे थे। सो इट मीन्स हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना। तो पहेली सोचती है ये सब कुछ करते करते कि एंशियंट टाइम में, मतलब पुराने टाइम पे जब ये सब इन्वेंशंस नहीं थी, तब लोग कैसे ट्रैवल करते थे। तो उस स्टोरी में उसको पता चला पहेली को कि तब जो लोग थे उनके पास कोई इन्वेंशन नहीं थी, वो जस्ट अपने पैरों पर ही चलते थे और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो हम स्टार्ट करते हैं 10.1 से, दैट इज स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ध्यान से सुनना। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले वाले टाइम में कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, उनके पास कोई व्हील नहीं था, उनको नहीं पता था कि किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे। दे यूज़ टू मूव ऑन फुट। वो बस अपने पैरों पे चलते थे, भार अपनी पीठ पे, अपने सिर पे उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते थे। उसके बाद उन्होंने कुछ ट्रांसपोर्ट शुरू किया विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। जैसे हॉर्स के ऊपर चढ़ के वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, डेजर्ट में वो कैमल का यूज़ कर रहे थे, तो इस तरह से उन्होंने एनिमल्स का यूज़ स्टार्ट किया। सो इट मीन्स यहाँ हम प्रोसेस बना सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपने पैरों का यूज़ किया, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, है ना। और उसके बाद थर्ड पे उन्होंने क्या किया बच्चे, बोट्स का इन्वेंशन किया। बोट इन्वेंट कैसे की, उन्होंने एक जो वुडन लॉग होता है उसको पानी में ऐसे ही रखा, वो तैरने लगी, तो वो उसके ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। फिर और दिमाग यूज़ करके ह्यूमन ने क्या बनाया, काफ़ी सारे लॉग्स को यूज़ करके एक बड़ी बोट बना दी जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन बैठ सकते हैं। एंड उस बोट की शेप कौन सी थी, स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप अब हमने 8th एंड 9th चैप्टर दोनों में पढ़ी है, वो शेप जो फिशेज की होती है। हमारी फिश किस शेप की होती है, लाइक दिस, दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। आप देखो सबसे पहले था हमारा फुट, उसके बाद उन्होंने यूज़ किया एनिमल, एनिमल के बाद उन्होंने क्या बनाई, बोट बनाई। अब बोट के बाद उन्होंने अपना जो व्हील है उसको इन्वेंट कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या इन्वेंट किया, व्हील। और व्हील के आगे वो अलग अलग तरह के एनिमल का यूज़ करने लगे, जैसे बुल का यूज़ किया तो वो बुल्लक कार्ट बन गई, हॉर्स का यूज़ किया तो वो टोंगा बन गया। व्हील यूज़ करने के बाद उनका जो ट्रैवल है वो बहुत इजी होने लगा और वो कार्ट्स को पुल करने के लिए एनिमल्स का यूज़ करने लगे। एंड देन इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी पीपल आर डिपेंडिंग ऑन एनिमल्स, बोट्स एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमारे पास तीन ही है, एनिमल, बोट, व्हील। व्हील के साथ जिन्होंने क्या बना, उन्होंने क्या बनाया था, कार्ट बनाई थी, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, उसके बाद क्या इन्वेंट हुआ हमारे पास, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की हेल्प से हमारी जो ये रेलवे है ये चलने लगी। जो ये रेल है, रेलवे लाइन के ऊपर रेल चली जिसको हम बोलते हैं स्टीम इंजन, ठीक है। रेल रोड्स वर मेड टू स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेज एंड वैगन्स। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स। फिर धीरे धीरे और इन्वेंशन होने लगी जो हम आजकल देखते हैं, आपकी जो मोटर बाइक्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेज हैं, वो सब इन्वेंट हो गए। मोटर वाली बोट्स एंड शिप्स आ गई। एंड देन आफ्टर दैट एरोप्लेन्स इन्वेंट हुए, ठीक है। 1900 की सेंचुरी में एंड पे क्या इन्वेंट हुआ,
एरोप्लेन। उसके बाद देखो अब हमारे पास बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट भी हैं। स्पेस क्राफ्ट किसके लिए? ताकि हम स्पेस में घूम सकें, आउट ऑफ द अर्थ यूनिवर्स में घूम सकें। सो आप देख रहे हो किस तरह से ये स्टोरी ऑफ हमारी जो ट्रैवलिंग है वो वर्क कर रही है। सबसे पहले ह्यूमन चला पैरों पे, फिर उसने एनिमल का यूज किया, एनिमल, एंड देन उन्होंने बोट इन्वेंट की, बोट के बाद व्हील, व्हील से क्या बनाया उन्होंने? कार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत डेवलपमेंट कर दी जो आपको यहाँ पे दी हुई है, दैट इज मोटर कार, ट्रक, बसेस, एंड देन एरोप्लेन। एंड व्हील के बाद एक स्टीम इंजन का भी इन्वेंशन हुआ, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन से क्या बनी थी? हमारी रेलवे। ठीक है, समझ आया। सो एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें आपको जस्ट एक ऑर्डर बताया था कि किस तरह से जो ट्रांसपोर्ट है वो डेवलप हुआ। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट 10.2 जो है हमारा हाउ वाइड इज अवर डेस्क। इसमें हम क्या सीखेंगे? मेजरमेंट करना, कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक इरेजर बना के दी, ये आप जो इरेजर यूज़ करते हो वो इरेजर है। ठीक है, अब इरेजर को आप कैसे मेजर करोगे? आप क्या करोगे? अपनी यहाँ पे फिंगर लगा के देखोगे और बताओगे कि मैम ये मेरी एक फिंगर जितना बड़ा है। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ बड़ी सी पेंसिल लगाओगे और बोलोगे कि ये हाफ पेंसिल जितना है। सो बहुत सारे मेथड्स हैं। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड? How will you know whether you can walk all the way to your school, whether you need a bus, rickshaw, reach your school? तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे मान लो आपका स्कूल यहाँ पे है, एक बच्चे का घर यहाँ है और एक का बहुत दूर है, तो उसको कैसे पता चलेगा मुझे पैर पे, मतलब ऑन फुट जाना है, मुझे साइकिल सूट करेगा जाने के, या मुझे कोई रिक्शा करना पड़ेगा? सो ऑब्वियसली देखो कि जिसका घर पास में है वो तो पैदल भी जा सकता है या वो साइकिल ले सकता है, पर जिसका घर दूर है उसको स्कूल वैन में या कोई फोर व्हीलर, मतलब जो ज़्यादा जल्दी उसको ले आई, या उसके जैसे डैड है वो कार वगैरह में लेके आए उसको, है ना, बट वो ऑन फुट नहीं जा सकता। सो वो हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस देखना पड़ता है किसका कितना दूर है, और वो डिस्टेंस मेजर करना भी आना चाहिए। सो देखो, इन पहेली एंड बूजोस क्लासरूम देयर आर अ लार्ज डेस्क व्हिच आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट। तो उस पहेली बूजो की क्लास में बहुत बड़े बड़े डेस्क हैं, एक डेस्क पे कितने बच्चे बैठते हैं? दो। जैसे यहाँ पे एक बच्चा हो गया, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे चेयर लगी होती है। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं? उनकी टीचर सुजेशन दे रही है कि तुम इसको मेजर करके दिखाओ। सो वो किसकी हेल्प से मेजर कर रहे हैं? कि गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा क्या होता है? ये जो स्मॉल सा है ये है गिल्ली और ये होता है डंडा। ये एक गेम खेलने के लिए होता है। सो पहेली एंड बूजो उसको मेजर कर रहे हैं। देखो ये वन गिल्ली डंडा, गिल्ली, फिर वन गिल्ली एंड डंडा। सो इट मीन्स ये टू डंडा एंड टू गिल्ली के बराबर है, है ना। तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, है ना। सो सिंपली इन्होंने ये मेजर कर लिया। या आप क्या कर सकते थे? अपना यहाँ पे हैंड रखते, वन हैंड, टू हैंड, थ्री हैंड, फोर हैंड, आप बता देते कि मैं, ये मेरे फोर हैंड के बराबर है। बट अब किसी बच्चे का हैंड बड़ा होता है और किसी बच्चे का छोटा होता है, ये तो गड़बड़ हो गई। कोई बच्चा तो कहेगा मैम मेरे फाइव हैंड्स के बराबर है ये, कोई कहेगा मेरे फोर हैंड्स के बराबर है ये, है ना। बट जो मेजरमेंट है वो आपने इस तरह किया। सो उसका सोल्यूशन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे एक टेप यूज़ करेंगे। किस तरह से? देखो ध्यान से। हेलो, नाउ व्हेन यू मेजर द डेस्क नाउ सेट ऑफ गिल्ली डंडा, द डेस्क लेंथ सीम टू बी अबाउट टू डंडा लेंथ एंड वन गिल्ली लेंथ विद अ स्मॉल स्टिल लेफ्ट आउट, दिस इज लेस देन द गिल्ली लेंथ। तो वो बोल रहे हैं कि जब हमने गिल्ली डंडा लगाया, यहाँ एक डंडा आ गया, यहाँ एक डंडा आ गया, और गिल्ली सपोज करो यहाँ पे आ गई और वो गिल्ली थोड़ी सी बच गई, मतलब यहाँ पे स्पेस बच गई, तो उसका एक नया मेथड और बता दें। ये भी बिल्कुल सिंपल। आपको क्या करना है? एक बड़ा सा धागा लेना है, उस धागे को यहाँ पे लगा देना है, जितना धागा हो गया फिर उसको मेजर कर लेना अपनी टेप की हेल्प से। सो आपको पता लग जाएगा कितनी हुई वो, मतलब सिंपल आपको इसमें बताया होगा कि किस तरह से आप जो ये मेजरमेंट है वो कर सकते हो। देयर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन वी केम अक्रॉस अ नीड मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस, द टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। ये जस्ट एग्जाम्पल दी गई है कहाँ पे हमें मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सो जो टेलर है, आपको कपड़े सिलवाने हैं, वो आपकी लेंथ देखता है आप कितने लंबे हो, तो उतना ही लंबा आपका टॉप बनाता है। वो आपकी बाजू की लेंथ देखता है, तो सब कुछ देखता है वो। नेक्स्ट जो कारपेंटर है, मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ कपबोर्ड टू नो द वुड नीड टू बी इट्स डोर। और जो कारपेंटर है, अभी कारपेंटर हमारी मान लो घर पे अलमीरा बना रहा है, तो अगर उसको अलमीरा की लेंथ ही नहीं पता होगी तो वो लकड़ी कैसे लेके आएगा, है ना। सो उसको भी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एरिया ऑफ द लैंड। अब जो फार्मर है उसको पता होना चाहिए उसके पास कितनी ज़मीन है, ताकि उसको पता लगे वो वहाँ पे कितनी वीट या जितनी भी क्रॉप्स हैं वो ग्रो करेगा। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर,
अभी किसी ने आपसे पूछ लिया आप कितने लंबे हो, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मैयर करना पड़ेगा। तो मतलब बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो नीड ऑफ मैयरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम, इसके लिए भी मैयर करना पड़ेगा। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, जो आप डेस्क यूज़ कर रहे हो वो कितना चौड़ा है, वाइड है, उसके लिए भी। दिल्ली लखनऊ से कितना दूर है, उसके लिए भी डिस्टेंस मैयर करना पड़ेगा। मून अर्थ से कितनी दूर है, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मैयरमेंट करना पड़ेगा, है ना। ऑल दिस क्वेश्चंस हैव वन थिंग कॉमन, एक ही चीज़ कॉमन है कि हमें दो चीज़ों का डिस्टेंस हर एक में निकालना पड़ेगा ताकि हम सबका आंसर दे सकें। द टू प्लेसेज मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ द टेबल एंड टू प्लेसेज मस्ट बी फार इनफ। तो इनमें कुछ क्वेश्चन कहते हैं बहुत पास हैं, जैसे मैंने आपको पूछा आपके डेस्क की लेंथ कितनी है, सो आपके डेस्क का वन कॉर्नर दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर बहुत पास है, आप बता दोगे। बट अगर मैं कहूँ दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, ये तो बहुत दूर हो गया, है ना। सो ये हम ऐसे मैयर करके नहीं बता सकते। लेट अस डू अ फ्यू मैयरमेंट्स टू सी वट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, वट वी मैयर, डिस्टेंस और लेंथ, सम मैयरमेंट्स। तो ये सम मैयरमेंट वाला टॉपिक तो हम कल करेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही इनफ है। आज बस हमने ये समझा कि किस तरह से हम चीज़ों को मैयर कर सकते हैं एंड वो क्यों ज़रूरी है। और कल हम देखेंगे कि शॉर्ट मैयरमेंट, जैसे ये डेस्क का हो गया, एंड लॉन्ग मैयरमेंट किस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।